एसएसपी द्वारा इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत शाहपुर पुलिस क्राइम ब्रांच और स्वैट टीम को उस समय सफलता मिली जब 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया, जो परवेज गैंग का कुख्यात अपराधी मोइनुद्दीन अंसारी निकला। मुठभेड़ में जहां अभियुक्त मोइनुद्दीन अंसारी को पैर में गोली लगी है, वहीं स्वैट टीम के सिपाही विजय द्विवेदी भी घायल हुए हैं। दोनों का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घायल बदमाश मोइनुद्दीन अंसारी के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और खोखा और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है, जबकि इसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम क्या है? नाम मैनुद्दीन अंसारी। पिताजी का नाम? नसरुद्दीन अंसारी। नसरुद्दीन? जी जी। मैनुद्दीन सना नसरुद्दीन। कौन गांव है? गांव बोलो, गांव बोलो। पहले पानी पिला दे। गांव बोलो, गांव बोलो। धर्मपुर। चलो चलो, बाहर निकल जाओ ना उससे। ए गार्ड। शहर में लूट की घटनाओं को रोकने के लिए और शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पिछले कई दिनों से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन क्रैकडाउन स्कीम के तहत शहर में भिन्न भिन्न पॉइंटों पर नाकेबंदी करके चेकिंग कराई जा रही है। आज स्पोर्ट्स कॉलेज में नाकेबंदी करके शाहपुर की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ चेकिंग करा रही थी। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति चेकिंग के दौरान रोकने का इशारा करने के बाद रुके नहीं और पुलिस टीम ने पीछा किया उनका, तो पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस पर उन्होंने जानलेवा हमला किया। इसी बीच पुलिस टीम ने अपने बचाव पे उन पर फायर किया। एक अपराधी, उसको दोनों पैर में एक एक गोली लगी, मौके से गिरफ्तार किया गया। उसके साथी भागने में एक पुलिसकर्मी को हल्की सी चोट आई है और बाद में जब गोली लगने के बाद अपराधी गिरफ्तार हुआ है तो उसकी शिनाख्त मैनुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है। इस पर 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है और यह परवेज अंसारी गैंग का मेंबर है और यह गैंग पिछले कई महीने से शहर में लूट और चुनौती जैसी वारदात अंजाम देने में सक्रिय थी।